नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संकटमोचन संगीत समारोह की चौथी निशा में पद्मश्री अनूप जलोटा के भजनों पर झूमे भक्त। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने मनाया मजदूर दिवस। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में 17 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर का हुआ शुभारंभ। और गंगा स्नान करने पहुंचे स्नानार्थियों को जल पुलिस और एनडीआरएफ टीम ने किया जागरूक। और अब खबरें विस्तार से। संकटमोचन संगीत समारोह की चौथी निशा में पद्मश्री अनूप जलोटा ने अपने सुरों से समा बांधा। संकटमोचन संगीत समारोह की चौथी निशा में भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा को सुनने के लिए मंदिर परिसर खचाखच भक्तों से भरा रहा। मंच पर पहुंचते ही श्रोताओं ने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने श्रोताओं से कहा कि मैं इस मंच पर अपनी बैटरी चार्ज करने आता हूं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में प्रभु राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बड़े ही पवित्रता और सुंदर ढंग से प्राण प्रतिष्ठा की। उन्होंने कहा कि उस क्षण सभी काफी भावुक थे और सभी की आंखों में आंसू था। पद्मश्री अनूप जलोटा ने भजन गायन की शुरुआत काशी बदली, अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है के भजन के साथ शुरुआत की। इस भजन के साथ ही श्रोता दीर्घा में करतल की थाप शुरू हो गई। इस भजन के बीच बीच में सियाराम, जय राम, जय जय राम का संकीर्तन भी श्रोताओं से कराते रहे। जय बजरंग बली से गायन क्रम आगे बढ़ाया। इसके बाद प्रभु राम के कई भजन सुनाए। अपना सदाबहार भजन ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन के बाद कई और पुराने चर्चित भजनों की वानगी पेश की। सर, सबसे पहले तो काशी में आपका स्वागत है। आप इतने सालों से काशी में आ रहे हैं, आज क्या महत्व रहेगा? बहुत बड़ा महत्व है इस विजिट का। संकट मोचन महोत्सव 101 वर्ष हो गए हैं इसको। आज 101वां महोत्सव हो रहा है और मैं पिछले 25 वर्षों से आ रहा हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि जब तक शरीर में प्राण है मैं इस महोत्सव में आता रहूं और सेवा करता रहूं। सभी कलाकार आते हैं और अपने को धन्य समझते हैं जब यहाँ पर सेवा देते हैं। यहाँ बड़े बड़े कलाकार, हमारे देश के पंडित रविशंकर जी, बिस्मिल्लाह खान साहब, किसका नाम लिया जाए, सभी यहाँ आए और अपनी सेवा करके गए। तो मैं भी इतने वर्षों से आ रहा हूँ, अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। सर, आप चूंकि भारत ने पूरी दुनिया में अपना नाम किए हैं, उसके बाद संकट मोचन में आते हैं, तो आपको क्या अनुभूति होती है?
यहाँ अनुभूति सबसे पहली ये होती है कि बैटरी चार्ज हो जाती है, फिर से शक्ति आ जाती है, हनुमान जी की थोड़ी सी ताकत जो है वो हमको दे देते हैं कि जाओ और गाओ, तो हमारा रियाज भी बढ़ जाता है और हम खूब कार्यक्रम भी करने लगते हैं। सर, आप काशीवासियों को क्या संदेश देंगे इस समय? पहला संदेश ये है कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो संसार की सबसे प्राचीन नगरी में रहते हैं, जो काशी विश्वनाथ भगवान शंकर की नगरी है और यहाँ हनुमान जी का इतना भव्य मंदिर है, उनकी भी कृपा बनी हुई है। तो आप सब इस गौरव को, इस भक्ति को बना के रखिए और इस नगरी को संसार की सबसे सुंदर नगरी बना दीजिए। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मजदूर दिवस मनाते हुए मजदूरों की शहादत को याद किया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वाराणसी जिला कमेटी कार्यालय दशाश्वमेध में बुधवार को 1 मई मजदूर दिवस पर मजदूरों के शहादत को याद किया गया और मजदूरों को नमन किया गया तथा आह्वान किया गया कि दुनिया के मजदूरों को एक होके नारों के साथ ही मजदूरों पर दमन करने वाले शासन के खिलाफ एकजुटता के साथ संघर्ष तेज करें। इस दौरान नंदलाल पटेल, शिवनाथ यादव, मोहित, इम्तियाज अहमद, आशीष सेन, शुभम सेन इत्यादि लोग उपस्थित रहे। 1 मई 1886 में जो मजदूरों का आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद उस समय की बर्बर सरकार ने जिस तरह से उस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, उसमें मजदूरों के 4 नेता शहीद हुए, उनको फांसी दी गई। उन्हीं की याद में 1 मई 1889 से लगातार हम मजदूर लोग उन शहीदों के याद में मजदूरों को आगे बढ़ाने के प्रयास में वर्गीय एकता कायम रखते हुए आंदोलन के पक्ष में मीटिंग करते हैं और ये शपथ लेते हैं कि मजदूरों के सुख सुविधा और बढ़ोतरी के लिए, आर्थिक बेहतरी के लिए जो भी प्रयास हो हम रखते हैं। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में 17 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर का शुभारंभ हुआ। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी पड़ाव में 17 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर का शुभारंभ निदेशक मुकुल पांडे तथा प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी के करकमलों द्वारा फीता काटकर व दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मुकुल पांडे को तुलसी का पौधा देकर स्वागत व सम्मान किया गया। उद्घाटन समारोह के प्रथम दिन स्केटिंग, मेहंदी, संगीत, नृत्य सहित विभिन्न प्रकार के खेल में बढ़ चढ़कर छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया, जिसमें दर्जनों प्रशिक्षकों ने छात्र छात्राओं को इस शिविर का लाभ दिया। शिविर के दौरान विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाओं ने आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील की। विद्यालय के आसपास लोगों को जागरूक किया गया जिससे हमारे देश में एक अच्छी सरकार बन सके। कार्यक्रम के दौरान इस अवसर पर सोनिया मिश्रा, अनीता त्रिपाठी, श्वेता पांडे, किरण शर्मा, नीलम गुप्ता, पीयूष दुबे, अनिकेत सिंह, राजू कुमार इत्यादि शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। कुछ नहीं है। आप प्लान करते तनिष्का, अरे बोटो दो, सर को पानी दे दो। आओ तुम भी आ जाओ, किनको पिछड़ी हो। इधर देखो, इधर देखो, उधर उधर कैम उधर देख लो। हाँ Thank you.
पहले मतदान फिर जयकार। आज हमारे यहाँ समर कैंप का शुभारंभ हुआ। बीच बीच में या ऐसे समय पर जब छुट्टी होने का समय आता है तो बच्चों को 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है स्किल डेवलपमेंट की, जैसा कि CBSE भी निर्देशित करती है कि बीच बीच में ये चीज़ें होती रहें और बच्चों को स्व व्यवसाय करने की एक प्रेरणा मिलती रहे, उसी के अंतर्गत समर कैंप लगाया जाता है। इसमें आप स्केटिंग पाएंगे, सोने का गहना बनाने के तरीके को पाएंगे, चित्रकला के रूप में पाएंगे, गायन के रूप में पाएंगे, शास्त्रीय गायन को पाएंगे, आपके क्लासिकल और आधुनिक गीतों का भी सम्मिश्रण किया जाता है और आप 3-4 तरह के नृत्य सिखाने वाले लोग रहते हैं जो नृत्य सिखाते हैं, स्केटिंग बच्चे सीखते हैं, तैराकी सीखते हैं छोटे बच्चे। ये सारी चीज़ें इसलिए की जाती हैं कि भविष्य में अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर इनके सामने आए जहाँ की कठिन समय हो और तैर के कहीं पार करना हो तो वो तैरना यहाँ पर सीख लें और वहाँ पर उसको अपने अंदर आत्मसात करें। और समर कैंप का महत्व ये होता है कि थोड़े समय के लिए ज़रूर होता है क्योंकि हमेशा तो किया नहीं जा सकता, बच्चों का पठन पाठन भी व्यवधानित होगा, उनकी जो सर्टिफिकेट है वो भी प्रभावित होगा जो फेल पास का होता है। लेकिन ये इसलिए सिखाया जाता है कि गर्मी के छुट्टी में जो 1.5 महीना 1 महीना ये कहीं भी रहें तो जो हम सिखाएंगे उसको करते रहेंगे तो इनकी ये आदत पड़ी रहेगी, कोई भी कार्य आसानी से ये कर सकते हैं। यही समर कैंप का सबसे बड़ा अभिप्राय है जो आज आपके समक्ष है। इसमें हॉर्स राइडिंग भी शामिल है, जो बच्चे घुड़सवारी सीखना चाहते हैं वो घुड़सवारी में भाग लेते हैं, जो स्केटिंग करना चाहते हैं स्केटिंग में आते हैं, जो गिटार बजाना चाहते हैं वो गिटार में आते हैं, जो कांगो बांगो बजाने को सीखना चाहते हैं वो इसमें आते हैं, तबला बजाने वाले तबला सीखते हैं, गायन वो अपने तरीके से करते हैं। हाँ, हमारे बच्चों ने तो हर जगह जागरूक किया, हमारे जो टीचिंग स्टाफ थे उन्होंने भी बाकायदे ये नारा लगा करके भाई, और देश में मतदान की आवश्यकता इसलिए भी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करेंगे तो एक अच्छी सरकार चुनी जाएगी जो सरकार आपका कार्य करेगी और विकास के पथ पर भारत देश को ले जाएगी। अगर भारत विकसित होगा तो लोग विकसित होंगे। आज का वर्तमान कल का भविष्य होगा और भविष्य अच्छा अगर दे सके हम तो उससे बढ़िया बात क्या होगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गंगा स्नान करने पहुंचे स्नानार्थियों को जल पुलिस और NDRF टीम ने जागरूक किया। बढ़ती गर्मी के कारण इन दिनों गंगा जी में स्नान करने के लिए स्थानीय नागरिक और पर्यटक भारी संख्या में घाटों पर पहुंच रहे हैं। वहीं अप्रैल मई जून में डूबने की घटनाएं भी अधिक होती हैं, इसलिए जल पुलिस और NDRF की टीम अलर्ट मोड में है। सुरक्षा के दृष्टिगत जल पुलिस और NDRF की टीम लगातार गंगा जी में गश्त कर लोगों को सावधान कर रही है। राजघाट से लेकर 80 घाट तक टीम ने गश्त करते हुए लोगों को सतर्क किया और किनारे ही स्नान करने तथा गहरे पानी में न जाने की अपील की। गहरे पानी में स्नान न करें, कम पानी में स्नान करके आप लोग निकल जाए, किनारे ही सीढ़ी के किनारे ही स्नान करें, यहाँ तैरने का प्रयास न करें। ये जो भी एक दो आदमी है बच्चे, लड़के तैरो मत, यहाँ से ऊपर जाओ,
जो इनके साथ गार्जियन आए कृपया इनको बाहर करिए। यहाँ एक गड्ढा आपको मिलेगा, गहरा पानी है। कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार पहुंचे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनका काफिला धाम परिसर पहुंचा। इसके बाद कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने गर्भगृह पहुंचकर बाबा श्री काशी विश्वनाथ का विधि विधान से पूजन अर्चन किया। विश्वनाथ धाम पधारने वाले भक्तों को बैनर पोस्टर के माध्यम से मतदान हेतु जागरूक किया जा रहा है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास श्री विश्वनाथ जी के दर्शन हेतु धाम पधारने वाले श्रद्धालुओं को अपने राष्ट्रीय दायित्व मतदान हेतु प्रेरित कर रहा है। श्रद्धालु कॉरिडोर में लगाए गए बैनर्स एवं पोस्टर को कौतूहल से देख भी रहे हैं और दर्शन के पश्चात पोस्टर के साथ सेल्फी भी ले रहे हैं। इस समय श्रद्धालुओं की संख्या में आई कुछ कमी के बाद भी श्री काशी विश्वनाथ धाम में प्रतिदिन 1.5 से 3.5 लाख तक के श्रद्धालुओं का आगमन देश के प्रत्येक कोने से हो रहा है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी काशी विश्वनाथ मंदिर विश्वभूषण मिश्र ने कहा कि श्री काशी विश्वनाथ धाम से प्रसारित ये संदेश राष्ट्रव्यापी प्रभाव उत्पन्न करेगा। देश के लोकतंत्र के इस महापर्व में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास का ये सनातन प्रयास सकारात्मक परिणाम लाए, ऐसी महादेव से प्रार्थना है। विगत कुछ समय से पहले भी काशी विश्वनाथ मंदिर सामाजिक सरोकारों को लेकर, राष्ट्रीय सरोकारों को लेकर मुखर रहा है। पिछले कुछ समय से लगातार नवीन योजनाएं चलाई जा रही हैं और समाज कल्याण के कई प्रकल्प प्रारंभ किए गए हैं। वह चाहे विद्यार्थियों को वस्त्र और भोजन उपलब्ध कराने का हो, चाहे पुस्तकें उपलब्ध कराने का हो, चाहे संस्कृत की शिक्षा को संबल देने का कार्य हो, चाहे वो समाचार जो हमारे अस्पतालों में भर्ती मरीज हैं और उनके जो तीमारदार हैं, अटेंडेंट्स हैं, उनको सुविधाएं देने का कार्य हो, तो इस तरह के कार्यों में लगातार हम बढ़ रहे थे। तो यह भी एक राष्ट्रीय दायित्व है जिसमें लोगों को अवेयर किया जाए कि लोग मतदान करें और प्रत्येक नागरिक का दायित्व होता है कि मतदान करें। तो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर नागरिकों को उनके इस राष्ट्रीय दायित्व का बोध कराने के लिए विशेष रूप से पहल चला रहा है और हमने अपने जगह जगह पर होर्डिंग लगाकर, बैनर लगाकर और लोगों को इसके अतिरिक्त जो हमारे टोकन्स होते हैं, जो हमारे पर्चियाँ होती हैं अथवा टिकट्स होते हैं, उन पर भी उसको लिखकर अपनी वेबसाइट पर लगातार डिस्प्ले करके, इसका जो स्लाइडर होता है उसको डिस्प्ले करके लगातार श्रद्धालुओं से और हमारी वेबसाइट विजिट करने वाले ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन मोड में किसी भी तरह से श्री विश्वनाथ जी से जुड़ने वाले व्यक्तियों को यह संदेश देने का कार्य किया जा रहा है कि अपने धार्मिक के साथ ही अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का भी बोध करें और राष्ट्रीय दायित्व का निर्वहन करें, वोटिंग अवश्य करें। और इस संबंध में इस तरह से हम लोग अपने मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। कितने दिन से ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है और रोजाना अगर आकलन की बात करें तो कितने श्रद्धालु आ जाते हैं? हमारे यहाँ जो प्रतिदिन का है, इस समय अप्रैल माह में थोड़ी संख्या कम हुई है। जो मार्च माह का हमारा एवरेज था वो लगभग 4 लाख व्यक्ति प्रतिदिन का था, 3.5 से 4 लाख के बीच में। इस समय हमारा 1.5 से 2 लाख से 2.5 लाख तक जा रहा है एवरेज, और कहीं वीकेंड पर 3 लाख के आसपास पहुँचती है संख्या। तो भी कम से कम न्यूनतम 1.5 लाख लोग प्रतिदिन हमारे मंदिर में आते हैं, श्री काशीनाथ मंदिर में श्री काशीनाथ जी का दर्शन करने आते हैं। तो 1.5 लाख में से अगर हम ये माने कि 50,000 व्यक्ति तो कम से कम ऐसे होते ही होंगे जो स्थानीय होते होंगे और नए होते होंगे। तो लगातार हम पूरी काशी की जनता को अवेयर करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और जो हमारे परिसर के आसपास से लोग आते हैं, लोग धूप में भी आते हैं, गर्मी में भी आते हैं, तो यह भी निश्चित रूप से एक संदेश है कि अगर अपने धर्म के लिए आप इतनी धूप में आ सकते हैं तो आपका राष्ट्रीय धर्म है कि आप मतदान अवश्य करें। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संकटमोचन संगीत समारोह की चौथी निशा में पद्मश्री अनूप जलोटा के भजनों पर झूमे भक्त। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने मनाया मजदूर दिवस। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में 17 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर का हुआ शुभारंभ। और गंगा स्नान करने पहुंचे स्नानार्थियों को जल पुलिस और एनडीआरएफ टीम ने किया जागरूक। तो इतने आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।